मूवी की शुरुआत होती है एक नरेशन से जो 172 ईयर्स ओल्ड अग्नीस नाम की गॉड मदर देती है, जो हमें मदरलैंड के बारे में बताती है। मदरलैंड एक ऐसी जादुई जगह है जहाँ जादुई फेरी गॉड मदर्स का स्कूल होता है और वो वहाँ पर गॉड मदर होने की कला को सिखाती है। बड़े से मदरलैंड में एलिनोर मदरलैंड की यंगेस्ट ट्रेनी होती है जो गॉड मदर बनने के लिए अप्लाई करती है और उसे सीखना चाहती है क्योंकि वो एक रियल की फेरी गॉड मदर बनना चाहती थी। एलिनोर का कोई दोस्त नहीं होता। जब वो अपनी स्कूल की क्लास में बैठी होती है तो वहां पर मोयरा आ जाती है। मोयरा कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस होती है और उन्होंने ही फेरी गॉड मदरिंग के बारे में बुक लिखी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके फॉर्मूले सदियों पुराने हो चुके थे। दूसरी फेरी गॉड मदर ग्रेटर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या हम इसके अलावा कुछ अलग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मोयरा हेड मिस्ट्रेस होती है तो सभी उससे बहुत डरते हैं और गुस्से में मोयरा कहती है कि जिंदगी इसी हैप्पीली एवर आफ्टर की तरह ही होती है और हमें इसी पर विश्वास करना होगा। लेकिन ग्रेटा कहती है कि हम सब ये बात जानते हैं कि लोगों ने हैप्पीली एवर आफ्टर पे बिलीव करना छोड़ दिया है और इसीलिए स्कूल बंद हो रहा है, और अगर लोग हम पर विश्वास करते तो हम इतने समय से कोई असाइनमेंट क्यों नहीं कर पाए। सभी ये बात जानते हैं कि सारी गॉड मदर्स को असाइनमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को फेरी गॉड मदर की जरूरत नहीं है और स्कूल बंद होने के बाद वो सब सिर्फ टूथ फेरीज बनकर रह जाएंगी। इन सब बातों को सुनकर एलिनोर ये डिसाइड करती है कि जब तक वो कोई असाइनमेंट ढूंढ कर नहीं लाती तब तक वो फेरी गॉड मदर नहीं बन सकती, और इसीलिए वो असाइनमेंट ढूंढने के लिए लाइब्रेरी में निकल जाती है जहां पर सभी बच्चों के असाइनमेंट रखे होते हैं। वो वहां कोई भी असाइनमेंट नहीं ढूंढ पाती, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद जैसे ही वो गिव अप करने वाली होती है वैसे ही उसे एक आखिरी असाइनमेंट मिल जाता है जो मैकेंजी वॉल्स के नाम पर होता है। मैकेंजी एक 10 साल की बच्ची होती है जो अमेरिका में रहती है और उसकी ये विश थी कि क्लास का क्यूटेस्ट लड़का उसकी तरफ नजर उठाकर देखे। अब इस बात को सुनकर एलिनोर अपना सारा सामान पैक करके एग्नीस को इस बारे में बताकर वहां से मैकेंजी की मदद करने के लिए निकल पड़ती है। एग्नीस कई बार इस बारे में उसे वार्न करने की कोशिश करती है कि मोयरा गुस्से में उसकी शक्तियां छीन सकती है और वो ये पोर्टल भी बंद कर सकती है, लेकिन इस चीज की परवाह किए बिना एलिनोर वहां से मैकेंजी की मदद करने निकल पड़ती है क्योंकि एलिनोर नहीं चाहती थी कि फेरी गॉड मदर्स का स्कूल बंद हो जाए। एलिनोर पोर्टल को खोलकर अमेरिका में पहुंच जाती है। वो वहां से चलते हुए कुछ पंपकिंस को देखती है और वो सोचती है कि वो पंपकिंस को कोचेयर में बदलकर जल्दी से मैकेंजी के पास पहुंच सकती है, और वो वहां पर सबसे मुश्किल स्पेल की प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है ताकि वो उन पंपकिंस को एक कैरियर में बदल सके, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है। वो ये सब करते करते कुछ दूर चली जाती है और रास्ते में उसे बेथ मिलती है जो कि शहर की तरफ जा रही होती है। अब एलिनोर बेथ की मदद से मैकेंजी तक पहुंच जाती है। बेथ उसे एक न्यूज चैनल के ऑफिस के सामने छोड़ देती है जहां अंदर कुछ रिपोर्टर्स लाइव न्यूज टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। वो इन सब चीजों को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ये सब पहले कभी नहीं देखा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मैकेंजी से मिलती है, लेकिन मैकेंजी बिल्कुल भी उस तरह नहीं होती जिस तरह उसने सोचा था। असल में मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है और उसके दो बच्चे भी हैं। मैकेंजी एक चैनल प्रोड्यूसर होती है जो न्यूज चैनल कंपनी के लिए काम करती है और वो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है। एलिनोर उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैकेंजी अब बड़ी हो चुकी है तो वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो एक असली फेरी गॉड मदर है, लेकिन मैकेंजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और अपनी बात को प्रूव करने के लिए एलिनोर उसे एक मैजिक ट्रिक करके दिखाती है। एलिनोर मैकेंजी की ड्रेस को एक फुल लेंथ जैकेट में बदल देती है जिसे देखकर मैकेंजी शॉक हो जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने घर लाकर घर की बेसमेंट में छुपा देती है क्योंकि एलिनोर लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी नहीं जानती थी। एलिनोर उसके घर को देखती है और उसे ये बात पता चलती है कि मैकेंजी का घर एक कैसल की तरह बिल्कुल भी नहीं है और वो खुश बिल्कुल भी नहीं रहती, जिसके बाद मैकेंजी अपना सारा सामान समेट ही रही होती है तभी उसकी बड़ी बेटी जेन उसे बताती है कि स्कूल टीचर मिस्टर क्लेंजी चाहते हैं कि वो परेड में लीड सिंगिंग करे, और जेन इस वजह से कंफ्यूज होती है कि उसे वहां पर जाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैकेंजी उसे मना कर देती है। मैकेंजी की बहन पॉला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है और बच्चों को एनकरेज नहीं करती। तभी मैकेंजी उसे मना करने का असली रीजन बताती है और सिक्स स्टैंडर्ड में स्टेज पर जाने से पहले उसे हाई फीवर था
और जब भी वो स्टेज पर जाने की कोशिश करती है हमेशा वो बुरी तरह बीमार पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनॉर बेसमेंट में बैठकर मैकेंजी की वेडिंग फोटोज को देखती है, लेकिन तभी मैकेंजी वहां आकर उसे पकड़ लेती है और वो उसे बताती है कि लाइफ हमेशा एक फेरी टेल की तरह नहीं होती है, लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं। एलिनॉर इस बात को नहीं समझ पाती। तभी मदरलैंड में मोयरा को पता चल जाता है कि एलिनॉर मदरलैंड में नहीं है। अगली सुबह जब मैकेंजी उठती है तो उसका घर पूरी तरह से बदल चुका होता है। एलिनॉर ने अपने जादू की मदद से उसके पूरे घर को पुराने जमाने की तरह बना दिया था और उसके पेट डॉग को भी एक पिगलेट में बदल दिया था। तभी मैकेंजी के बच्चे वहां पर आकर ये सब चीजें देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि एलिनॉर मैकेंजी की गॉड मदर है। मैकेंजी अपनी बेटियों को बताती है कि एलिनॉर अब यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकती, लेकिन उसकी बेटियों की जिद करने पर एलिनॉर वहां कुछ दिनों के लिए और रुक जाती है। अब क्योंकि एलिनॉर घर पर पूरे दिन अकेली रहती थी, इसीलिए मैकेंजी उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाती है जहां वो ह्यूग से मिलती है। ह्यूग मैकेंजी का कलीग होता है। एलिनॉर वहां सेट की चीजों को इधर उधर करने लगती है, इसीलिए मैकेंजी उसे दूर एक फूड स्टॉल पर भेज देती है। एलिनॉर इतना सारा सी फूड खा जाती है कि उसके फेस पे रिएक्शन होने लगते हैं और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एलिनॉर की जान बचाने के लिए मैकेंजी जल्दी से रिएक्शन को कम करने के लिए एक इंजेक्शन ढूंढती है, लेकिन क्योंकि एलिनॉर इंजेक्शन से डरती थी तो इंजेक्शन लगवाते समय वो कुछ ऐसे स्पेल बोल देती है जो कि आसमान में बहुत बड़े धमाके करने लगते हैं और ये आसमान में हुए धमाके नेशनल हेडलाइंस बन जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आ जाते हैं। एलिनॉर शांति से बैठकर अपने रूम में पढ़ रही होती है कि तभी वहां पर अग्नीस आकर उससे बात करने लगती है। एलिनॉर अग्नीस को बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने सोचा था। मैकेंजी 10 साल की बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो दो बच्चों की माँ है। ह्यूग मैकेंजी को चाहता है, लेकिन मैकेंजी उससे अच्छे से बात तक नहीं करती। वो खुश नहीं रह पाती और हर चीज से भागती है। तभी एग्नीस उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि मानो वो खुशी पर विश्वास ही नहीं रखती हो। इस चीज को सुनते ही एलिनॉर को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो मैकेंजी को बताती है कि उसे मेकओवर की जरूरत है। पहले तो मैकेंजी बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन एलिनॉर उसे जबरदस्ती भेज देती है। अब घर पर बच्चों के साथ मस्ती करते हुए एलिनॉर को पता चलता है कि जेन एक कमाल की सिंगर है, लेकिन वो पब्लिकली परफॉर्म नहीं कर पाती है क्योंकि जब भी उसने परफॉर्म करने की कोशिश करी है उसे कुछ ना कुछ हो जाता है। जिसके बाद एलिनॉर को मियाँ के थ्रू पता चलता है कि मैकेंजी के हस्बैंड की कई साल पहले मौत हो गई थी और यही रीजन है कि मैकेंजी अब खुश नहीं रह पाती है और हर वक्त स्ट्रेस में रहती है। वो अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस तक नहीं मनाती। वहीं दूसरी तरफ हम मैकेंजी को देखते हैं जो अपना मेकओवर कराने के बाद बहुत ही खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ एलिनॉर कहती है कि जेन को एक पब्लिक कॉन्सर्ट करना चाहिए और वो जेन को गिटार पकड़ाती है और खुद गंदी आवाज में गाना शुरू कर देती है। वो जेन से कहती है कि हम ये परफॉर्म करेंगे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और स्नोबॉल भी मारते हैं, लेकिन एलिनॉर के होते हुए जेन को इन बातों का फर्क नहीं पड़ता और वो एलिनॉर के साथ गाती जाती है। लेकिन तभी वहां पर मैकेंजी आ जाती है। जेन उसे कहती है कि वो शायद अब ठीक हो चुकी है और वो परेड में गा सकती है। तभी मिया एक क्रिसमस ट्री खरीदने की जिद करती है और मैकेंजी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं और साथ में क्रिसमस भी मनाते हैं और सभी लोगों को खुश देखकर एलिनॉर भी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन मैकेंजी ह्यूग और अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के एक असाइनमेंट पर जा रही होती है जहां उन्हें स्नोस्टॉर्म को देखने का काम दिया गया था और एलिनॉर भी उसके साथ उस असाइनमेंट पर गई होती है। वहीं घर पर अग्नीस एलिनॉर के लिए एक मैसेज ड्रॉप करती है कि मोयरा 2 दिन में पोर्टल बंद करने वाली है। ह्यूग और मैकेंजी वहां स्लाइड करते हुए बच्चों का लाइव रिकॉर्डिंग टेलीकास्ट कर रहे होते हैं और बच्चों को देखकर एलिनॉर को भी वो चीज करने का मन करता है, इसीलिए वो ऊपर जाकर एक फ्लाइंग सॉसर ले लेती है। लेकिन जब वो स्लाइड करते हुए आ रही होती है तो वो गलती से ह्यूग पर जंप कर देती है जो कि पूरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो जाती है। मैकेंजी और ह्यूग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसकी वजह से उनकी जॉब चली जाएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली उनका बॉस उनके वायरल होने से बहुत खुश हो जाता है और वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए सभी बार में जाने का डिसाइड करते हैं, जहां मैकेंजी एलिनॉर और ह्यूग को अकेले में बात करते हुए देख लेती है, जिसे उसे लगता है कि वो उन दोनों को एक हैप्पीली एवर आफ्टर दे सकती है। वहां पर ह्यूग मैकेंजी को बताता है कि वो भी एक सिंगल डैड है, जिसके बाद मैकेंजी एलिनॉर को बताती है कि वो शायद ह्यूग को पसंद करने लगी है,
लेकिन वो एलिनॉर से कोई भी मैजिक करवाना नहीं चाहती और इस बात को किसी को भी बताना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ जब अग्नीस अकेले अपने कमरे में होती है तो मोयरा वहां पर आ जाती है और उन्हें बताती है कि कुछ दिनों में स्कूल बंद हो जाएगा और वो खुद नहीं चाहती कि एलिनॉर एक फेलियर बन के ही रह जाए, क्योंकि अगर उसके वापस आने से पहले स्कूल बंद हो जाएगा तो वो ग्रेजुएट नहीं हो पाएगी और मोयरा का कोई भी स्टूडेंट आज तक फेल नहीं हुआ है, तो अगर वो एक दिन के अंदर वापस नहीं आती तो वो उसकी पावर्स को छीन लेगी। अब अग्नीस जल्द से जल्द ये बात एलिनॉर को बताती है कि उसे जो भी कुछ करना होगा जल्दी करना होगा, नहीं तो उसकी पावर्स उसे छीन ली जाएंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैकेंजी अपनी ऑफिस की एक पार्टी में ह्यूग के साथ जाती है और वहां वो उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन एलिनॉर वहां पर आकर मैकेंजी के ऊपर जादू कर देती है जिससे वो ह्यूग के साथ डांस करने लगती है और अचानक ही उसके अंदर रोमांस जाग जाता है। लेकिन जब उनका बॉस वापस से सॉन्ग को बदल देता है तभी मैकेंजी को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया और वो वहां से भागकर वॉशरूम में चली जाती है। एलिनॉर वहां पर भी पहुंच जाती है और उसका कॉस्ट्यूम बदल देती है। मैकेंजी एलिनॉर को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ अभी अभी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हुई है, लेकिन ये बताते हुए उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सारी चीजें एलिनॉर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अब अपने कॉस्ट्यूम को छुपाते हुए मैकेंजी बाहर से छुप कर जा रही होती है और तभी एलिनॉर की ड्रेस से ऑफिस का स्पीकर ओपन हो जाता है जिससे वो दोनों जो भी बातें करते हैं पूरा ऑफिस उनकी बातें सुन लेता है। मैकेंजी और एलिनॉर एक दूसरे से ह्यूग के बारे में बातें करने लगते हैं। एलिनॉर कहती है कि वो क्यों उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करती, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। जिसके बाद मैकेंजी के बॉस एलिनॉर को पहचान लेते हैं कि ये वही फ्लाइंग सॉसर वाली लड़की है। एलिनॉर मैकेंजी के बॉस को बता देती है कि पहले ह्यूग और मैकेंजी डर रहे थे कि उन दोनों की जॉब चली जाएगी, लेकिन उनकी वीडियो हिट होने के बाद वो बहुत खुश हो गए। इस बात को सुनकर मैकेंजी के बॉस को लगता है कि उन्होंने ये पूरा वीडियो जानबूझकर प्लान किया था और इसीलिए उन्हें अगली सुबह जॉब से निकालने के लिए बुलाया जाता है। मैकेंजी इन सब बातों से बहुत नाराज हो जाती है और वो एलिनॉर से कहती है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। इन सब बातों को सुनकर एलिनॉर बहुत उदास हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद उनके घर में पौला आती है और वो देखती है कि एलिनॉर वहां से जा चुकी है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। अगली सुबह मैकेंजी और ह्यूग ऑफिस में अपने बॉस से मिलने का वेट कर रहे होते हैं। अब उनके बॉस उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वो वायरल वीडियो झूठ था या सच, जिस पर मैकेंजी उन्हें बताती है कि उन्होंने उस स्टोरी को बिल्कुल भी फेक नहीं किया था। इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके चैनल की TRP उस वीडियो के कारण बहुत बढ़ गई थी और वो चाहते थे कि मैकेंजी एलिनॉर पर और भी स्टोरीज बनाए, लेकिन मैकेंजी इस बात पर अग्री नहीं करती है क्योंकि वो किसी मासूम को इस TRP के बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। जिस पर मैकेंजी के बॉस उसे धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने उसकी बात को नहीं माना तो वो उसे जॉब से निकाल देंगे और मैकेंजी खुद ही वो जॉब छोड़ देती है। मैकेंजी जाते हुए ह्यूग को कहती है कि तुम इस जगह से बहुत ज्यादा चीजें डिजर्व करते हो। तभी ह्यूग भी उस जॉब को छोड़ देता है क्योंकि उसे इससे बेटर शो मिल चुका था। इसी तरह वो दोनों साथ में जॉब को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैकेंजी जैसे ही घर आ रही होती है तो उसे जेन की टीचर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि जेन अब तक रिहर्सल के लिए नहीं आई है और आज परफॉर्मेंस का दिन है। इस बात को सुनकर मैकेंजी जल्दी से जल्दी जेन के पास जाती है। मैकेंजी उसे बताती है कि तुम्हें अभी के लिए वहां जाना होगा, लेकिन जेन एलिनॉर के बिना स्टेज पर जाने से मना कर देती है, जिस पर मैकेंजी प्रॉमिस करती है कि वो एलिनॉर को ढूंढ कर रहेगी। लेकिन तभी पॉला का मैसेज आता है कि उसने एलिनॉर को ढूंढ लिया है। लेकिन तभी जेन, मिया और मैकेंजी वहां पर आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि एलिनॉर के बगैर जेन स्टेज पर नहीं जा पा रही है, इसीलिए एलिनॉर अपने जादू से जेन को एक फेरी ड्रेस पहनाती है और क्योंकि वो एक पम्पकिन को एक कैरेज में बदल नहीं पा रहे थे तो वो वाटरमेलन को एक कैरेज में बदल देती है। अब सभी एलिनॉर के इस कैरेज में उड़कर परेड में जाते हैं जहां जेन का परफॉर्मेंस होता है। जेन स्टेज पर जाने से बहुत डर रही होती है, तभी मैकेंजी उसके डैड का गिटार लाकर उसे दे देती है ताकि वो अपने डैड की प्रेजेंस उस वक्त अपने साथ फील कर सके क्योंकि वो बचपन में हमेशा उनके साथ गाया करती थी। जिसके बाद वो एलिनॉर को देखकर धीरे धीरे हिम्मत करती है और उस गिटार की प्रेजेंस से अपना गाना गाती है। जैसे ही गाना खत्म होता है वहां हेडमिस्ट्रेस मोयरा आ जाती है और एलिनॉर को अपने साथ ले जाने लगती है। एलिनॉर सभी लोगों के सामने बताती है कि वो फेरी गॉड मदर है और मैकेंजी उसका आखिरी असाइनमेंट थी और वो ये चाहती है कि वो अपना हैप्पीली एवर आफ्टर जिए। मोयरा कहती है कि ये कोई हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं हुआ और वो ऐसा कहकर उसकी जादू की छड़ी छीनने लगती है।
तभी मैकेंजी उसकी छड़ी उसको वापस कर देती है और उसका सपोर्ट करते हुए कहती है कि 4 साल पहले उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब उसकी कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन एलिनॉर की मदद से वो खुश रहने लगी और अपने दोनों सच्चे प्यार को वापस पा लिया जो कि उसकी बेटियां हैं। तो ये उसका हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं है तो और क्या है। एलिनॉर मोयरा को बताती है कि हर वक्त प्रिंसेस का गाउन या एक प्रिंस की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस खुश रहना आना चाहिए जो कि सबसे जरूरी होता है। इन्हीं बातों को सुनकर मोयरा समझ जाती है और खुश हो जाती है कि एलिनॉर ने अपने दम पर ये सारी चीजें की और इसी तरह दोनों खुशी खुशी मदरलैंड वापस चले जाते हैं। वहां पर स्कूल बंद नहीं होता और एलिनॉर वहां गॉड मदर बन के पढ़ाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।